आज हमने आपको तकलीफ दे दी कि आज जो यहाँ पे बिजली की सूरज हाल है पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, तो बिल्कुल खस्ता हालत है, लोग परेशान हैं। एक तरफ तो इन्होंने शेड्यूल निकाला है कि मीटर्ड एरियाज़ जो हैं उनमें 4 घंटे कटौती रहेगी और नॉन मीटर्ड एरियाज़ में 8 घंटे कटौती रहेगी, लेकिन उस शेड्यूल के हिसाब से बिजली सार्फिन को नहीं मिलती है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। 2 घंटे का इन्होंने शेड्यूल रखा है और 2 घंटे में 1 घंटा बिजली रहती है, 1 घंटा चली जाती है 15-15 मिनट के बाद, आँख मचोली होती है बिजली की। एक तरफ तो ये परेशानी है, दूसरी परेशानी ये है कि इसी वक्त में इन्होंने जो हाइक की, जो इसका बिजली फीस में हाइक कर दी है 60% हाइक कर दी है, मीटर्ड एरियाज़ में भी एज़ वेल एज़ नॉन मीटर्ड एरियाज़ में भी। तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि पिछले जब हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 2002 में यहाँ पे सरकार संभाली थी, वो चीफ मिनिस्टर बने थे और माही रमज़ान का महीना आया था, तो उस वक़्त भी बिजली का बड़ा बहरान था, लेकिन उन्होंने उस वक़्त पांपोर में हमारा जो गैस टरबाइन था उसको चालू करके 24 घंटे यहाँ बिजली दी थी, और तब से आज तक ये दावा कर रहे हैं कि हमारी बिजली में बेहतरी आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बेहतरी आई है, बल्कि हर साल यहाँ बिजली की जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानी को हल करना इनका काम है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बीजेपी सरकार का काम है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो बिजली है वो बाहर जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो लोग रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, वो इस बिजली की आँख में चूली की वजह से परेशान है। उसमें हम सोच रहे हैं कि जो पीडीपी की तरफ से, हम तो अपनी बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, जिस वक्त 2014 में हमने सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ, उस वक्त एक एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ था, जिसमें एक तो वो तो पता ही है, सबको पता है, 370 और 35A के बारे में था कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरा पॉइंट जो उसमें था वो यही था कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको वापस किया जाए। तो मुझे ये समझ में आता है, आज ये समझ आती है कि जब इन्होंने हमारे ये विड्रा किया सपोर्ट सरकार को, उस वक्त की सरकार को, जब महबूबा जी हमारी चीफ मिनिस्टर थी, तो उसमें एक रीज़न ये भी था कि इनकी नीयत साफ़ नहीं थी, ये पावर प्रोजेक्ट जो हमारे हैं वो हमें वापस करना नहीं चाहते। लेकिन उसके लिए हम जिस तरह हम 370 के एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे, उसी तरह हम जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको वापस लेने के लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए एहतजाज करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें मास मूवमेंट चलानी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फारूक साहब हम वेलकम करते हैं, वो दोबारा से ये प्रेसिडेंट बन गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो जहाँ तक आपने इलेक्शंस की बात की, आपने पार्डन किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो गुजरात में हो रहे हैं, तो वो आज हो रहे हैं इलेक्शंस, वो पता नहीं हमें क्या होने वाला है वहाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बीजेपी की जो सरकार यहाँ 2014 से चल रही है सेंटर में, तो उसकी वजह से हमारी जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के लोग परेशान हैं। महंगाई बढ़ गई है, यहाँ मैं अभी सुन रहा था कि राशन जो हमारा आता था 5 किलो पर हेड दिया जा रहा है, आज चार ही किलो दिए जा रहे हैं, 1 किलो की उसको कटौती की गई है, महंगाई आसमान को छू रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में हम यही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ बिल्कुल जो बीजेपी सरकार यहाँ कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, वो ठीक नहीं कर रही है। सर, एक ये हमारी सरकार में भी था और हमारे से पहली सरकारों में भी ये था कि जो बीपीएल जुमरे में आते थे उनको मुझे याद है कि 109 रुपये फीस देना पड़ता था महीने का बिजली फीस, और आज वही 109 जो देता था आज उसको 900-1000 रुपये बिजली का फीस देना पड़ता है। एक तरफ से वो, दूसरी तरफ से उसको वो बिजली नहीं मिलती है, टाइम टू टाइम बिजली नहीं मिलती है, शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं मिलती है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, यहाँ के गरीब आवाम के लिए नाइंसाफ़ी है। पहले ही यहाँ का गरीब दबा है इस बोझ के तले, महंगाई के बोझ के तले। यहाँ हमारी फ्रूट इंडस्ट्री थी, उसका वो भी लाभ जवाल हो गई इनकी वजह से, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से।
और उसमें भी परेशान लोग हैं, यहाँ के फार्मर्स परेशान हैं। तो दूसरी तरफ से इसमें बढ़ोतरी करना, बिजली फीस में बढ़ोतरी करना, मुझे लगता है कि ये यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी।